here to subscribe! बनी का कमाल का हुनर। ये वो खदान है जहां मालगाड़ियां काम करती हैं। अब मेरी बारी है। अरे मैनी आ गया। मैनी, आज पत्थर बहुत ज्यादा हैं। ले जाओगे ना? जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मैनी। वाह, मैनी कमाल का है। अरे बाप रे, संभल के। रुको मैनी। शुक्रिया मैनी। कोई बात नहीं। मैनी ने शानदार काम किया। इससे ज्यादा ताकतवर मालगाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। बहुत शानदार काम किया। हाँ, मैनी का कोई जवाब नहीं। बर्नी अपना काम खत्म करने के बाद चूचू शहर लौट रहा है। बर्नी! हेलो। हेलो। सुनो बर्नी, क्या कोई परेशानी है? मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे। इसने सही कहा, मुस्कुराओ बर्नी। तुम्हें लगता है मैं भी डीजल और मैनी जैसा बन सकता हूँ? तुम उन दोनों के जितने ही अच्छे बनोगे बर्नी। शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं। क्यों नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीजल, तुम मेरी मदद करोगे? मदद? मुझे भी ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारे और मैनी की तरह, पर समझ नहीं आता कि कैसे बनूं। तुम ताकतवर रेल बनना चाहते हो मेरी तरह? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डीजल। डीजल बर्नी की मदद करेगा? डीजल ने बर्नी को ताकतवर मालगाड़ी बनने में मदद करने का फैसला किया। मजबूत मालगाड़ी की गरजदार आवाज होती है। गरजदार आवाज होती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब तुम कोशिश करो। याहू! अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज गूंजे। ठीक है। याहू! याहू! बड़ा मुश्किल है। शाबाश, ये पहले से तेज थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सबक की ओर। क्या बस इतना ही? इस बार तुम बोगियों के साथ तेज दौड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन बोगियों के साथ तेज दौड़ना खतरनाक होता है। तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें तेज दौड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे बोगियां हिल रही हैं। दमदार मालगाड़ियां इसकी परवाह नहीं करती। तेज दौड़ो बर्नी। अच्छा ठीक है। उनकी प्रैक्टिस पूरी हुई। बर्नी और डीजल वापस शहर लौट रहे हैं। खुश हो तुम? अब तुम भी मेरी तरह दमदार गाड़ी हो। कह नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो पाया। वाह फूल, सुंदर। मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फूलों में ऐसा क्या खास है। वो सुंदर होते हैं। ये देखो खरगोश। हेलो खरगोश, मेरा नाम बर्नी है। बर्नी, मजबूत मालगाड़ियाँ खरगोशों के साथ नहीं खेलती, तो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे प्यारे खरगोश। जल्दी चलो। आ रहा हूँ। अगली सुबह बर्नी काम पर गया। अगली। गुड मॉर्निंग। ओह बर्नी, आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था।
दमदार ट्रेन तेज चलती है। यूहू! ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। मिस्टर हब। तुम ठीक हो ना बर्नी? माफी चाहता हूँ मिस्टर हब। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी इसको। तुम्हारे गिरने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जी सर। क्या सच में? सच में? बर्नी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो बहुत तेज जा रहा था, गिर गया। लेकिन बर्नी तो ऐसे कभी तेज नहीं जाता। मेरे ख्याल से वो मेरी वजह से गिरा होगा। ओ? दमदार मालगाड़ी बनने के लिए मैंने ही उसे तेज दौड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? यहाँ इधर मैं नई बंदरगाह पर काम कर रहा है। सामान रख रहा हूँ, आराम से रख रहा हूँ। ये हो गया। शुक्रिया, फिर मिलूंगा तुमसे। अरे मैनी, उसमें नाजुक सामान है, ध्यान रखना। चिंता मत करो। तेज चलता हूँ। एक ही तो डब्बा है तो थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंदर? जानवर खतरनाक होते हैं। मैनी को एक डरावनी पुरानी बात याद आ गई। ताजी हवा। वो क्या है? ये तो भेड़े हैं। अरे भेड़ो हट जाओ। हट जाओ मुझ पर से। मैं और आगे नहीं जा सकता। मिस्टर हर्ट। मैनी, क्या बात है? मेरे डब्बे में बंदर है, लगता नहीं है कि आगे जा पाऊंगा। तुम वहीं इंतजार करो। हाँ। मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है। बर्नी, मैंने सुना तुम गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं मजबूत मालगाड़ी बन पाऊंगा। बर्नी। अब, जी कहिए मिस्टर हर्ट। क्या तुम अभी बंदरगाह जा सकते हो? कुछ जानवरों को लाते हुए मैंने मुश्किल में पड़ गया है। जानवर? मैंने जानवरों से बहुत डरता है। सच में? हेलो प्यारे खरगोश। चलो बर्नी, साथ चलकर मदद करो, तुम्हें जानवरों से लगाव है ना? हाँ, मदद? तो बर्नी और डीजल मैनी की मदद करने गए। मैनी! ओ बर्नी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। चिंता मत करो, सबसे पहले डब्बा अलग करो। ये डब्बा अलग क्यों नहीं हो रहा? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनी, बंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से फिर कोशिश करो। ठीक है। वाह, अलग हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया मैनी। शुक्रिया। अब पीछे चलो। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी। कोई बात नहीं। हाँ? लगता है ये बंदर अभी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो। एक गाना हो जाए। टिटीपो टिटीपो टिटीटिटीपो, मस्ती करो और चलते चलो, छोटी ट्रेन टिटीपो। टिटीपो टिटीपो टिटीटिटीपो। सारे बंदर शांत हो गए। वाह क्या बात है। ये है मेरे भाई का कमाल।
धूप खिले या बर्फ पड़े या हो बरसात का मौसम, हर दम चलते चलो, बिना रुके बढ़ते चलो। टीटीपो। काम खत्म करने के बाद मैनी, बर्नी और डीजल वापस चूचू शहर आ गए। तुम दोनों वापस आ गए? बर्नी, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, सबसे बढ़कर। शुक्रिया मैनी। डीजल, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्नी तुम्हारी वजह से गिर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, बात ये है, मैंने कहा कि अगर तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तेज भागो। बर्नी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया, मुझे पता चल गया मैं किस काम में अच्छा हूँ। बिल्कुल ठीक, अगर जानवरों को लेके आना है तो बर्नी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बर्नी, एक शानदार मालगाड़ी। शुक्रिया दोस्तों। आखिरकार बर्नी को अपनी खूबी पता चल गई। मुबारक हो बर्नी। चेकअप डरावने होते हैं। चूचू शहर की छोटी रेलगाड़ियां हमेशा की तरह अपना काम कर रही हैं। टीटीपो भी अपने काम पर जा रहा है। ठीक है, काम पर चला जाए। मैं इतना काम क्यों रहा हूँ? शुक्र है मैं रुक गया। हाय डीजल, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ। और तुम बताओ, काम पर जा रहे हो? हाँ, लगता है तुमने आज बहुत मेहनत की। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं आराम करूँगा घर पहुँचकर। अच्छी बात है। ओ, 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 फिर से नहीं। क्या हो गया? लगता है कुछ खराबी है, मैं कांप रहा हूँ। तो टीओ के पास जाकर तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। चेकअप? चेकअप क्या होता है? ओह, अब मैं समझा कि तुमने कभी चेकअप नहीं करवाया है। मैं इससे थोड़ा सा मजाक करता हूँ। चेकअप बहुत डरावना होता है टीटीपो। बहुत डरावना होता है? हाँ, सच में डरावना होता है। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चेकअप के लिए तुम्हें सर के बल लेटना पड़ता है, तब टीओ एक बड़ी सुई वाला इंजेक्शन लगाता है। डीजल, अब तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन? इंजेक्शन मत लगाओ तुम। I'm sorry, लेकिन तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं बहादुर हूँ, इसलिए मैंने बिना डरे लगवा लिया। इतना दर्द होता है? बिल्कुल, दूसरी रेल तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मिस्टर हब, जल्दी से मेरे पास आओ। अभी आता हूँ। पता नहीं मुझसे क्या काम है। फिर मिलता हूँ, तुम्हारे चेकअप के लिए गुड लक। हाँ शुक्रिया। चेकअप से डर लग रहा है। हाय मिस्टर हब। आ गए तुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बंदरगाह जाने वाली एक ट्रेन खराब हो गई है और वो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं? मुझे नहीं जाना है, क्या मैं बीमार होने का नाटक करूं? लगता है कुछ खराबी है। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। क्या तुम बीमार हो डीजल? मैं कह नहीं सकता कुछ, मेरे ख्याल से मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। तो तुम अभी टीओ के पास जाओ। हाँ ठीक है। रुक जाओ डीजल। क्या? फिक्स लेफ्ट। यस सर। क्या तुम डीजल को टीओ के पास ले जा सकते हो? मैं कांप रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। टीटीपो। हाँ? तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। ठीक है। हाय मिस्टर होप। तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? कांप रहा हूँ। मुझे लगता है निकलने से पहले तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। क्या चेकअप? टीओ के पास जाओ और अपना चेकअप करवाओ। ठीक है। बाय मिस्टर हर्ब। मिस्टर हर्ब का आदेश मानकर टीटीपो टीओ के पास जाने के लिए निकल पड़ा। तुम ठीक तो हो ना डीजल? दर्द हो रहा है? कहाँ पर दर्द हो रहा है तुम्हें? कहाँ पर? यहाँ पर भी और
इन्हें पता नहीं चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। फिक्स? जी कहिए मिस्टर हब। खदान में एक एक्सीडेंट हो गया है। डीजल को छोड़ने के बाद जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। जी अभी जाते हैं सर। एक्सीडेंट? फिक्स तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम आराम से पहुँच जाओगे ना? हाँ बहुत ही आराम से। तो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ओ डियो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने टेस्ट तो कर लिए हैं और सब ठीक भी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे जबरदस्त दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये तो डीजल की आवाज है। चेकअप में बहुत दर्द होता होगा। छोड़ो इसे, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ। टीटीपो। हेलो सर। मैं फिर से कांपने लगा। क्या तुम बीमार हो? नहीं मैं ठीक हूँ। अब मुझे जाना है, जल्दी निकलना होगा। टीटीपो टीटीपो। क्या जबरदस्त नींद थी। डीजल। हाँ टियो। अब अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ मैं पहले से काफी अच्छा हूँ। बढ़िया, तो तुम वापस काम पर जा सकते हो। काम? नहीं, दर्द फिर से शुरू हो गया है मुझे। मेरे ख्याल से मुझे कुछ देर और आराम करना चाहिए। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आखिरी स्टेशन है। काम पूरा हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अचानक से रुक क्यों गया? मुझे मदद के लिए मिस्टर हब को बुलाना चाहिए। मिस्टर हब, मिस्टर हब। अरे नहीं, मेरा रेडियो भी खराब हो गया। अब मैं क्या करूँ? अरे बाप रे, टीटीपो खराब हो गया है। टीटीपो, टीटीपो। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हम आ गए मिस्टर। बहुत अच्छे, पर ये बताओ तुमने कहीं टीटीपो को देखा है? नहीं मैंने नहीं। कुछ खास बात है? मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। टीटीपो? ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ओ, टीटीपो को क्या हुआ? कुछ पता नहीं, उससे बात नहीं हो पा रही। उसे यहाँ चेकअप के लिए आना था। अरे नहीं, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? टियो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। डीजल, ये समय कहाँ जा रहा है? टीटीपो के लिए परेशान डीजल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कहाँ हो सकता है? टीटीपो! डीजल! तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, एक मिनट रुको। पकड़ लिया, अब चलते हैं टीटीपो। शुक्रिया डीजल। मिस्टर हब। डीजल, टीटीपो पटरी पर खराब हो गया था। मैं उसे टियो के पास ले जा रहा हूँ। डीजल, लेकिन तुम भी तो बीमार हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। बहुत अच्छा है, तो टीटीपो का पूरा ख्याल रखना। जरूर रखूंगा मिस्टर हब। तेज चलते हैं टीटीपो। ठीक है। टियो, टियो कहाँ गया? मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ठीक है। एक मिनट रुको डीजल। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं चेकअप करवा पाऊंगा। वो बहुत डरावना होता है। डरने की जरूरत नहीं है, चेकअप में बिल्कुल दर्द नहीं होता। लेकिन तुमने कहा था बहुत दर्द होती है। कहा तो था, पर मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी टीटीपो। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ दोपहर को तुम्हारी दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अच्छा वो तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। नाटक?
हाँ, वो मैं काम नहीं करना चाहता था इसलिए बीमारी का नाटक किया। तो फिर इसका मतलब चेकअप करवाने में दर्द नहीं होता? हाँ बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ठीक है, मैं चेकअप करवाने के लिए तैयार हूँ। डीजल? किया? क्या कहा तुमने? मिस्टर हर्ब, नाटक कर रहे थे, मुझे तुम पर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन टीओ, तुम्हें पहले जाकर टीटीपो का चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल। हो गया। पूरा चेकअप हो गया। और दर्द भी नहीं हुआ ना? बिल्कुल ठीक। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब आगे से तुम रेगुलर चेकअप करवाते रहना। ठीक है मिस्टर हब। सब ठीक हो गया। तुम ये बताओ डीजल, तुमने बीमार होने का नाटक क्यों किया? ये बहुत गलत बात है, मैं पूरे दिन परेशान होता रहा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा फिर। टियो, मिस्टर हब, अगर डीजल मुझे यहाँ नहीं लेकर आया होता तो मैं मुसीबत में फंस जाता। डीजल ने ही मुझे चेकअप करवाने के लिए समझाया और अब मैं ठीक हूँ। टीटीपो। वैसे बात तो ठीक है, डीजल ने आज अच्छा काम भी किया है। डीजल, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, समझ गए? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ डीजल। लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए, अब तुम्हें सफाई का काम करना होगा। क्या? मैं सुबह तुम्हारा काम देखने आऊँगा, सफाई हो जानी चाहिए। मुझे लगा आपने मुझे माफ कर दिया। झूठ बोलने से यही होता है। डीजल की वजह से टीटीपो ने अपना चेकअप करवा लिया, लेकिन डीजल अब बीमारी का नाटक नहीं करना। टीटीपो और सेटर घूमने गए। आज टीटीपो की छुट्टी है। हाय दोस्तों। टीटीपो, क्या कर रहे हो? मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? मुझे काम पर जाना है। मुझे भी। मुझे लगता है आज सेटर की छुट्टी है। बहुत बढ़िया, मैं सेटर को कहता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। सेटर को चूचू टाउन से बाहर जाना पसंद नहीं। घूमने जाने के लिए भला कौन सी ट्रेन मना करेगी? बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। तुम देखना वो उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अभी ने सही से लगा देता हूँ। हाय सेटर, बाहर चल के खेलते हैं। खेलते हैं? आज तुम्हारी छुट्टी है तो हमें बाहर जाके खेलना चाहिए। मुझे चूचू टाउन में ही रहना पसंद है। लेकिन बाहर मजे करने के लिए बहुत कुछ है। चूचू टाउन में भी मजे करने के लिए बहुत कुछ है। सब लग गए। ट्रेन के डब्बों को लगाने का मजा ही कुछ और है, और जब सब रेल चली जाती है तब देर तक नहाने का मजा ही कुछ और है। ये जगह सही लग रही है। और दोपहर की झपकी का तो कहना ही क्या। चूचू टाउन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाहर तो बहुत भीड़ और शोर है, इसलिए मैं तो यही रहूंगा, तुम अकेले ही घूम कर आओ टीटीपो। सेटर, इसे बाहर जाना पसंद क्यों नहीं है? हाँ, अगर मेरे साथ बाहर जाएगा तो उसे पक्का अच्छा लगेगा। इन पीले डब्बों की जगह यहाँ है। सेटर, तुमने डरा दिया। मेरे साथ बाहर चलो, सिर्फ एक बार सेटर, प्लीज एक बार चलो। माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अकेले ही चले जाओ टीटीपो, लाल डब्बो की जगह यहाँ पर है। चलो भी सेटर। क्या तुम सच में यही रहोगे? सच में? मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है टीटीपो, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। ओ, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, सब उल्टे उल्टे लग गए। अब तो बाहर चलोगे ना? मैं नहा कर आता हूँ। मजा आ गया।
क्या अब मैं नहा लूं? पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इतना वक्त लगा रही है। मैं जल्दी से बाहर निकलूं। मैं माफी चाहता हूँ, आराम से नहाओ तुम। तुम नहा चुके सेटर, तुम्हें पता है मुझे नहीं नहाना, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाऊँ और खूब खेलूं। क्या क्या कहा तुमने? तुम चलोगे? सुनकर अच्छा लगा ना? नहीं नहीं लगा। दोपहर की झपकी लेने के लिए सेटर जंगल में चला गया। मजा आ गया। सेटर! टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं भी झपकी ले लूं। अच्छा, तुम्हें एक अच्छी सी लोरी सुना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आ आ सो जा छोटे बच्चे सो जा, टीटीपो ठीक है, तुम जीते, तुम जीते, मैं चलूंगा ठीक है। तुम चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये मेरा दावा है। टीटीपो टीटीपो। टीटीपो और सेटर घूमने के लिए बाहर गए। अब बताओ तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है ना? शायद। हम पहुंच गए, वो रहा बंदरगाह। चलो चले। ठीक है। वाह। ए, कौन आया है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या है? सेटर, ऊपर देखो, ऊपर। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आओ, कैसे हो टीटीपो तुम? क्रेनी, पता है मैं कितना डर गया था। हेलो क्रेनी। मुझे लगता है क्रेनी को देखकर सेटर उदास हो गया। सेटर, आते जाते रहा करो। बाय, अब हमें जाना है, चलो चले। गुड बाय टीटीपो, ऐसे अजनबी मत बनो सेटर। ठीक है, अपना ख्याल रखना क्रेनी। कैसे हो दोस्तों? घूमने आए हो सेटर? हाँ आ ही गया। वाह, तुम्हारी बोगियाँ तो मैंने ही लगाई थी। हाँ, पर विश्वास नहीं हो रहा तुम टीटीपो के साथ घूमने निकले हो। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला हूँ। जरूर टीटीपो हाथ मरोड़ कर तुम्हें लाया होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी सेटर आज बहुत मजे करेगा। तो जाओ और मजे करो, मैं काम पर चलता हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे डीजल। सेटर, चलो आगे चले। ठीक है। वापस मुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। हा? आगे बढ़ो और इस पे चढ़ जाओ। ठीक है, इस तरह? हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या, टर्न टेबल में कोई खराबी हो गई है। चक्कर आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो। सेटर को कोई ऐसी जगह लेके जाना होगा जो उसे पसंद आए। सिंग सिंग सच में बहुत तेज है, कमाल की है। आहा, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह याद आई जो तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे पीछे आओ। टीटीपो ने तय किया कि वो सेटर को एक शांत स्टेशन पर ले जाएगा। जगह कैसी है, अच्छी लगी ना? हाँ। मुझे पता था सेटर को यहाँ आकर अच्छा लगेगा, शुक्र है। ओ? जीनी! स्टेशन पर पहुँच गए, ध्यान से उतरना। वाह, इन डब्बों को मैंने लगाया था। हम पहुँच गए बच्चों, सब ध्यान से उतरना। ओ, टीटीपो, तुम सेटर को बाहर ले ही आए। हाँ। क्या तुम अपने रूट पर हो जीनी? हाँ, आज मैंने छोटे बच्चों को सैर करवाई। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अरे देखो कितनी अच्छी ट्रेन। वाओ। ये तो सच में बहुत अच्छी है। टीचर, क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? मैं भी। मुझे नहीं पता। सुनो ना प्लीज, अगर बच्चे ऊपर आ जाएं तो तुम्हें एतराज तो नहीं? मुझ पर? तुम काम कर रहे हो है ना? नहीं, काम तो नहीं कर रहा। सच? बहुत शुक्रिया। चलो। सेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा। कितनी अच्छी है इधर से। सुनो बच्चों, कोई बटन मत दबाना। सेटर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। सुनो टीटीपो, अब हम शहर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, वापस जा रहे हैं। मैं सेटर को दिखाना चाहता था कि बाहर कितना मजा आता है, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। अरे बारिश होने लगी। जल्दी वापस चलो टीटीपो। बरसात भी आज ही होनी थी। सुनो सेटर। वाह टीटीपो, आकाश की तरफ देखो। एक इंद्रधनुष। सतरंगी इंद्रधनुष, कितना सुंदर है। ओ हाँ सेटर, माफी चाहता हूँ, तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया। क्या? बंदरगाह में इतना शोर था, फिर वो छोटे बच्चे तुम पर कूदने लगे और फिर बारिश हो गई। गलत कह रहे हो, मेरा दिन बहुत अच्छा था। ओ सेटर, ग्रेनी से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपने दोस्तों को काम करते हुए देखकर, खास तौर पर उन डब्बों के साथ जिन्हें मैंने जोड़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा टीटीपो। उन प्यारे बच्चों के साथ खेलकर भी मुझे बहुत मजा आया, और अब मैं इस सुंदर इंद्रधनुष को देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शुक्रिया टीटीपो। मुझे शुक्रिया मत कहो। कोई बात नहीं। मैंने ठीक कहा था है ना? बाहर जाकर खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ, अब हम अक्सर जाया करेंगे। बहुत बढ़िया, अगली बार हम सबके साथ घूमने जाएंगे। सेटर और टीटीपो ने साथ मिलकर खूब मौज मस्ती की। बाहर खेलने में भी बहुत मजा आता है।